तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में भाई हमने काफी सारी यार अपनी गाड़ी इकट्ठा करी थी, और गाइस अभी भी काम अपना चल रहा है गाड़ी इकट्ठा करने का। एंड गाइस, अपना इस बार का प्लान ये है कि हम लोग सारी गाड़ी इकट्ठा करके जब हम लोग उनको बेचेंगे उससे गाइस आएगा बहुत सारा पैसा, और गाइस उस पैसे से भाई हम लोग अपनी डीलरशिप को करने वाले हैं नेक्स्ट लेवल अपग्रेड, क्योंकि यार अपने पास ना गाड़ियां काफी होने वाली हैं एंड जगह ना कम पड़े, इसलिए गाइस अपनी जो डीलरशिप है उसको हम लोग बड़ा करेंगे, और साथ ही साथ यार जो उसका लुक होगा ना गाइस वो भी काफी खतरनाक होने वाला है। लेकिन गाइस यार वो ना बात की बात है, लेकिन आज की वीडियो में ना मुझे खूब सारी ना अपनी स्पोर्ट्स कार और भी इकट्ठा करनी, एंड कम से कम ना मुझे 10 से 15 कार्स और चाहिए होंगी अपने शोरूम के लिए, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो लेट्स सी गाइस अपने कितनी गाड़ियां मिलने वाली है आज की वीडियो में, एंड लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी ना यहाँ पे हो चुकी है सुबह, एंड सुबह के टाइम पे सबसे पहला काम होता है दरवाजा बंद करना। अपने घर के बाहर जाते हो तो भाई दरवाजा बंद करके जाते हो ना, तो खोल के थोड़ी जाते हो। और यार आज यहाँ पे कोई गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन ये तो बेकार कार है यार, मतलब नेबरहुड में ना आते ही ना अपना दिमाग खराब हो ही जाता है। और गाइस आज ना कार ऑक्शन है, एंड वो है यार 2 बजे से। गाइस थैंक गॉड यार आज 2 बजे से, नहीं तो यार मुझे पूरा पूरा दिन वेट करना पड़ता है। एंड लेट्स गो गाइस, ऑफिस चलते सबसे पहले, एंड अपने शोरूम में ना गाइस आप लोग देख पा रहे हो काफी सारी गाड़ियां अभी तो इकट्ठा हो चुकी है, और कुछ गाड़ी ना मैं अपनी यहाँ पे रिपेयर कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात हो गई तो अपने को काम रोकना पड़ा था। एंड ये गाड़ियां गाइस रिपेयर हुई है कि नहीं मेरे साथ, तो कैसे रिपेयर्ड है, हाँ ये भी रिपेयर है, एंड यार ये वाली भी रिपेयर है, मतलब रिपेयर है। ये क्या हो रहा है भाई, मैं गाड़ी पीछे कर रहा था, ये भाई ये मेरे को निकालने तो दिया कर यार, निकालने से पहले उसने दूसरी गाड़ी घुसवा दी अंदर। अब मेरी गाड़ी अगर हल्की से भी चोट लगती ना इसको तो भाई मैं तो उसको बहुत पीटता वहीं पे। एंड यार ये भाई जो अपनी मस्टैंग है इसको हमें भाई थोड़ा सा पेंट करना पड़ेगा, लेकिन पेंट भी तो सोचना पड़ता है कौन सा करना है अपने को यार, पेंट क्यों ना बड़े नाटक है, तो समझ में नहीं आता मुझे कलर में कौन सा रखूं। तो गाइस इसका ना कलर ब्लू रख लेते हैं, ब्लू मस्टैंग अपने पास एक भी नहीं है, एंड ना ही कभी आज से पहले की गई है, तो इतना काफी है भाई, इस पे और खर्चे नहीं करने वाला हूं मैं, क्योंकि मेरे पास यार 100 लाख डॉलर थे, एंड हाँ यार 100 लाख डॉलर थे, और वो डॉलर जो है कब उड़ गए मेरे, 58 हो गए ये मुझे पता भी नहीं लगा। तो इसमें लगाते हैं टर्बो, एंड व्हील्स इसके चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदे व्हील्स हैं, मतलब छी यार ऐसे व्हील्स लगा कि कौन मस्टैंग को रखता है, लेकिन जिसने भी रखी होगी वो एक नंबर का गधा होगा। तो ना अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ, एंड देखते हैं अपनी मस्टैंग यहाँ पे। ए यार इतनी स्लिप क्यों मार रही भाई, मस्टैंग के साथ एक अलग ही प्रॉब्लम है, जब देखो तब भाई ये गाड़ी स्लिप मारती रहती है, एंड ये वाला कलर ना इस पे कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा है। और मैं इस गाड़ी को ऊपर लेके जा रहा था और मैं यहाँ पे नीचे ही छोड़ गया, कोई नहीं यार तब नहीं तो अब सही, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे। एंड हाँ मुझे याद आया गाइस, लास्ट एपिसोड में भाई लाइट चली गई थी एंड रात हो चुकी थी, और यहाँ पे एक भी लाइट नहीं जल रही थी, तो मैं अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर पाया था। तो कोई नहीं, कल की पार्किंग आज हो जाएगी अपनी। एंड ये जो अपनी सुपर है ना इसको गाइस कहीं पार्क करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे पार्क करते हैं। ओके थोड़ा सा और एडजस्ट करना है, क्योंकि भाई गाड़ी अपनी एकदम सीधी होनी चाहिए। हो गई पार्क, एंड ये वाली गाड़ी टेढ़ी खड़ी है यार, मैं उसको सोच रहा हूँ टेढ़ा खड़ी, लेकिन एक्चुअली गाड़ी अपनी ये टेढ़ी खड़ी है, तो अभी ठीक है, अभी दोनों गाड़ियां एकदम बराबर पार्क हो चुकी है। इसको भेजते हैं यहाँ पे नीचे, एंड मैं ना दूसरी गाड़ी ले आता हूँ, हाँ यार इधर ही जाना है अभी। और ये रही भाई अपनी नीली नीली मस्टैंग, एंड यार इसका कलर ना थोड़ा अच्छा मुझे लग नहीं रहा है हालांकि, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सफाई करेंगे तो देखो भाई अभी सफाई के बाद ना इसका कलर काफी ठीक हो चुका है, मतलब अच्छा लग रहा है ना अभी इसका कलर। एंड सफाई भाई तो होती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी ना बोतल चलनी चाहिए गाइस, सुबह सुबह ना बोतल जरूर चलनी चाहिए, एक बोतल होने के बाद ही। वैसे गाइस ये ना गेम के लिए ठीक है, असली में मत शुरू करना है सुबह सुबह बोतल। एंड अभी हमने थोड़ा सा पी चुके हैं, एंड अब ना अब होने वाली अपनी पार्किंग बढ़िया वाली, देखो कैसे कैमरा हिलते हिलते पार्किंग होगी। और मुझे 2 बजे का खास ख्याल रखना है, क्योंकि 2 बजे ना कार ऑक्शन में जाना है, क्या पता अपने को इस बार भी किस्मत चमक जैसे लास्ट टाइम चमकी थी, काफी अच्छी गाड़ियां मिली थी, एंड उम्मीद अभी भी यही है कि इस बार भी मिल जाएंगी। एंड ऊपर चलते हैं, चल मेरी मस्टैंग, टिक 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 टिक, और बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर, और अभी इसको यहाँ पे पार्क करेंगे। ऑल राइट गाइस, अपनी मस्टैंग यहाँ पे हो गई है पार्क, और काफी गाड़ियां हो गई गाइस, काफी सारी गाड़ियां हो चुकी हैं, एंड जंप, ओहो मजा आ गया। और अभी यार उस गाड़ी को भी ना मुझे पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कलर भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी गाड़ियां मैं लेके आता हूँ ना इन सबके कलर इतने घटिया क्यों होते हैं, मतलब लोग लेने से पहले एक ढंग का कलर क्यों नहीं लेते, मतलब ये देखो भाई क्या कलर लिया है यार, ये कोई कलर होता है, मतलब भाई ऐसा लग रहा है गाड़ी पे जंग लगी हुई हो। और इसको साफ करके भी देख लेता हूँ, क्या पता अंदर कोई और ही कलर हो इसके, नहीं भाई कलर तो गंदा ही है इसका, बहुत गंदा कलर है, चॉकलेट कलर की यार कौन लेता है गाड़ी, और चॉकलेट कलर की ना सिर्फ चॉकलेट अच्छी होती है और कुछ नहीं अच्छा होता। ऑल राइट गाइज, इसको पेंट कराते हैं, इसका कलर क्या रखे गाइज, इसका कलर मैं थोड़ा सा पिंक रख लेते हैं, क्या पिंक गाड़ी अपने पास एक भी नहीं है, तो पिंक कर देते हैं इसको। चलो भाई ये हो गई अपनी पिंक, और यार यार ये सबसे बारबी कार लग रही है यार, बारबी कार लग रही है बिल्कुल। एंड यार अभी इसको मुझे यहाँ पे वापस से थोड़ा सा व्हील्स वगैरह, व्हील्स की जरूरत है कि हाँ व्हील्स की जरूरत है तो यार वैसे। और एज यूजुअल गाइस ना मुझे ना सिर्फ व्हील्स जो है ना ब्लैक ही सही लगते हैं, एंड ये वाले व्हील्स मेरे फेवरेट बन चुके हैं यार, क्योंकि मैं सस्ते भी और काफी तगड़ा लुक है इनका। तो गाइस अभी ना इसको मैं लेके चलता हूँ पार्किंग के लिए, एंड 12:24 हो चुके हैं, एंड अभी 2 बजे से कार ऑप्शन, तो अपने पास टाइम है अभी, ऐसी कोई बात नहीं गाइस टाइम बहुत है। एंड इसको मैं करता, अरे यार अपनी एलिवेटर तो ऊपर ही रह गई, तो आ
आ रही है यार अपनी एलिवेटर, जो है बंदूक क्यों लेके घूम रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो ये आ गई गाड़ी अपनी ऊपर, और अभी ना लिफ्ट को करते हैं ऊपर, चल बेटा ऊपर। तो अभी बारी आती है यहाँ पे पार्किंग की, अपनी इस वाली सुपरा की भी पार्किंग, जो की अपनी नई। यार दो गाड़ियां एक कलर की कर दी क्या मैंने यार? अंदर आके तो उसका कलर भाई सेम उस कार के ऐसा लग रहा है यार। खैर कोई बात नहीं भाई, हो सकता है दो लोग ऐसे इनको सेम कलर पसंद आए, उनके लिए एक ऑप्शन है भाई की दो गाड़ियां, और भाई इसको साफ कर दे, क्योंकि भाई मैंने थोड़ी साफ करी थी और आधी गाड़ी गंदी है तो ऐसी लग रही है ये। एंड लेट्स गो गाइस, नीचे चलते हैं वापस से। और भाई 12:30 हो रहा है भाई, 12:30 नहीं 1:30 हो रहा है, और 2 बजे से कार रखी है, तो मुझे जल्दी से ना भागना पड़ेगा, अब मेरे पास टाइम नहीं बचा है। अब अगर देर की तो भाई तो मैं तो गयो भाई, मैं तो गयो जल्दी 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 जल्दी। 38 हो चुका है, एंड अभी भगाते हैं गाड़ी को एंड टिकट्स लेते हैं जल्दी से। और ये ड्रिफ्ट मार के भाई, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट, अरे टिकट उधर रह गई मेरी यार, इतनी ड्रिफ्ट नहीं मारनी थी। लेकिन कोई नहीं यार, हम तो भाई टाइम पे हैं, हमें देर नहीं हुई है बिल्कुल भी, और कार ऑक्शन अपना रेडी है एकदम। 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड क्या टाइमिंग मिलाई मैंने। एंड लेट्स सी गाइस पहली गाड़ी क्या आती है। अरे यार क्या गंदी गाड़ी थी ये पहली, मतलब ये गाड़ी लोग लेते ही क्यों है मैं तो ये सोचता हूँ। ये गाड़ी ना मैं किसी कीमत पे नहीं लेता भाई, जब तक ये करंट में कुछ खा लेता हूँ यार, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। अबे जल्दी लो यार गाड़ी भाई, मुझे कल सुबह निकलना है भाई, मुझे अपने काम पे जाना है यार, मतलब $1,000 धीमे धीमे बढ़ाने पैसे। चलो देखते। अरे ये क्या निकल आई भाई, ये क्या गंदी गाड़ी, एकदम छोटी सी फीएट 500 मिनी, मतलब छी यार, आज की किस्मत खराब है गाइस। आज मेरी कार ऑक्शन की किस्मत ना एकदम बकवास निकल आई, एकदम बकवास किस्मत है आज की। और यार नहीं यार, चलो तीसरी ले भाई, ये फिर से वही छोटा रॉकेट निकला यार, मैं अब नहीं लूंगा, मैंने दो ले ली बहुत है, अब ये गाड़ी मुझे और नहीं चाहिए। और अगर चौथी गाड़ी अगर ठीक निकली ना गैस तो भी तो ही ठीक है, वरना यार अपना तो आज का आना यहाँ पे बेकार हो जाएगा। अरे जल्दी ले ले यार, जल्दी 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 बस करो भाई, देर हो रही है बहुत ज्यादा, मुझे निकलना है यार भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है गाइस, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। हो गया, अभी लेते हैं चौथी। अरे ले भाई किस्मत खराब गाइस, किस्मत खराब है आज की। चलो यार वापस बैठते हैं गाड़ी के अंदर। जो सोचा था गाइस वैसा हर बार हो जाए, ऐसा नहीं होता हर बार, समझ रहे हो कितनी डीप लाइन बोली मैंने। तो आज का तो अपना टाइम यहाँ पे हो चुका है वेस्ट गाइस, सच बताऊं गाइस अपना टाइम हो चुका है वेस्ट। एंड यहाँ पे उन्होंने गाड़ी घुसा दी, एंड मैं इसके नीचे कर दूंगा, ले ले तू ऊपर रिपेयर कर, मेरी नीचे रिपेयर कर। और अभी देखते हैं गाइस यहाँ पे जंक यार्ड में आज कोई गाड़ी है कि ये गाड़ी है गाइस, गाड़ी है, निकालो बेटा हथौड़ा निकाल लो यार। एंड ये क्या पड़ा हुआ है, ओ ये पहले से कोई छोड़ गया क्या यहाँ पे, चलो मैं रख लेता हूँ। ये भी कुछ पड़ा हुआ है, रेडिएटर है गाड़ी का, एंड इसको तोड़ना शुरू करते हैं। चल बेटा टूर भाई, कुछ तो माल मसाला निकले भाई, अपने को चाहिए पैसे, क्योंकि वहां पे जाके सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है, और यहाँ पे हथौड़ा चलाए क्या पता उस टाइम वेस्ट के कुछ पैसे ही वसूल हो जाए अपने। या कितना 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 हथौड़ा चलाऊं मैं, चल भाई फ्यूज बॉक्स निकला है, शॉक एब्जॉर्बर निकल गया, और यार ले निकल 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 भाई और निकल, ओ निकल गया, जितना मिलना था मिल चुका है अपने को, और सबको ना कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कुछ छूटना नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अपने को सब कुछ वसूलना है गाइस, कुछ छूटा तो नहीं है ना, ना कुछ नहीं छूटा। चलो हेलो भाई साहब, अच्छा वैल्यू लगाना है तो यही खोपड़े पे ना, मतलब यही हथौड़े में तेरे खोपड़े मारूंगा ऐसे करके भाई। $95 दिया, इतनी हथौड़ी चलाई मैंने और $95, छी यार दुख हो गया मुझे इस दुख के नाम पे यार, एक बोतल तो बनती है ना भाई, दुख हो गया यार मुझे। अब लगा है थोड़ा अच्छा मुझे। एंड अभी ना इस गाड़ी में नॉस है क्या, इस गाड़ी में क्या नॉस है, हेलो चलो एक बार चेक करते हैं गाइस इस गाड़ी में नॉस है या फिर नहीं है। वो है नॉस है नॉस है नॉस है, तो मैं एक काम करूँ इसको पेंट कराता हूँ। एंड कार ऑक्शन तो अभी जा चुका है, उसमें तो कुछ नहीं मिला है अपने को, तो रेस से कुछ पैसे वसूले जाए, थोड़ी सी रेस तो बनती है। एंड इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये कलर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, पीलिया बना देंगे गाइस, पीलिया एकदम पीला कर देंगे इस गाड़ी को। चलो गाइस अभी अपनी गाड़ी हो चुकी है एकदम पीली पीली, एंड व्हील्स वगैरह चेंज करने की जरूरत तो है नहीं आपको भाई, थोड़ा सा ना काम खुद ही कर लेता हूँ गाइस, खुद ही इसको थोड़ा साफ कर दूंगी भाई, वहां पे लेके जाओ उससे साफ कराओ। एंड मुझे निकलना है रेस के लिए, क्योंकि अपना मूड हो चुका है खराब, और मुझे चाहिए जल्द से जल्द एक रेस जो कि मेरा माइंड को कर सके फ्रेश, क्योंकि आज के दिन खत्म होने वाला है और घंटा कुछ नहीं मिला है मुझे। इससे अच्छा भाई किसी को हरा के ना उसका दिन खराब कर दिया जाए, क्यों कैसे ही कह रहा हूँ ना मैं, मतलब ये एक उसूल है जिंदगी का कि जब तुम्हारा खुद का दिन खराब हो जाए ना तो एक दो लोगों का और का भी खराब कर दो, एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन तो रहेगा ना। ओ इसकी गाड़ी कितनी औसम है भाई। गाइस मुझे लग रहा है गाइस मैं अगर इससे हार गया ना गाइस मेरा दिन और खराब हो जाएगा, मैं इससे रेस करूंगी ना करूं मैं तो ये सोच रहा हूं यार, भाई ये बंदा हराएगा मुझे, ये बंदा मुझे पक्का हराएगा यार। चलो भाई 6,000 की बेड लग भाई, आज का दिन लग रहा है लॉस है गाइस, पूरा लॉस है। मैं रिस्क ले लेता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे भाई तू डर के भागे, लेकिन मैं डर के नहीं भागता गाइस, मैं डर के नहीं भागता, मेरी फट जाती है बस इतनी सी बात है ना, मैं डर के नहीं भागता गाइस, मेरी फट जाती है यार, मतलब मेरा लॉस हो जाएगा फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन गाइस मुझे तो पक्का पक्का लग रहा है गाइस मैं इस GTR से हारने वाला हूँ यार, मतलब GTR से ट्रैग हो गई भाई, हारना पक्का है अपना, हारना पक्का है यार। लेट्स सी क्या होता है यार, मेरे पास नॉस वगैरह सब कुछ गाइस, मैंने इस गाड़ी को ना 1% भी मॉडिफाई नहीं किया हुआ है गाइस, ये मैं खरीद के लाया था, मैंने इसको ऐसे ही रख लिया था। 10 9 8 7 1 गो, चल 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 नॉस ले नॉस ले नॉस ले, चल बहुत बढ़िया,
चल ओ जीत गए, जीटीआर से जीत गए भाई, मैं जीटीआर से जीत गया गाइस, मैं जीटीआर से जीत गया। कैसे कैसे? ओ भाई ये हुआ क्या गाइस, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? यहाँ पे रेस एंड क्यों नहीं हो रही भाई, वो बंदा वहीं रुक गया है यार। ये क्या ग्लिच था, मतलब कि जीटीआर वाला भाई ये गेम ग्लिच कर गया है क्या यार? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वो बंदा वहीं रुका हुआ है यार। देखो उसका टाइम बढ़ता है लेकिन भाई वो आ ही नहीं रहा है। तो गाइस आज की किस्मत ऐसी हो कि भाई सामने वाली गाड़ी पंचर हो जाए, और देखो भाई वहीं पे वहीं है। और यार यहाँ पे ना कुछ हो ही नहीं रहा है गाइस, यहाँ पे लिखा है योर बेट विल बी फॉरफिटेड इफ यू इन केस यू एग्जिट द रेस, यानी कि अगर मैंने रेस एग्जिट करी तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे और जो भी मैंने मेहनत करी है उसका कोई मतलब नहीं बनने वाला है। खैर कोई नहीं, अपने को टाइम भी वेस्ट नहीं करना यार, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, जैसे गेम का ग्लिच या क्या है भाई। लेकिन जीटीआर से हारा नहीं, मेरे पैसे भी नहीं गए लेकिन मैं हारा भी नहीं। तो गाइस यार जैसा कि मैंने बोला था भाई, अपना आज का दिन ना पूरा पूरा खराब चला गया भाई। मतलब कि एक रेस जो मैं जीत रहा था गाइस, उसके पैसे नहीं मिले यार, मुझे पता नहीं क्या ही ग्लिच था ये। खैर कोई बात नहीं, जब आपका दिन खराब हो ना तो आपको शांति से जाके ना सो जाना चाहिए। चलो गाइस मैं इधर से निकल रहा हूँ ना, एक बार रेड बार भी होके देख लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। गाइस यहाँ पे आके ना मुझे पीने के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि यार मेरे को कार्ड्स खेलने तो आते ही नहीं है, मैं कैसे खेलूं कार्ड। चलो गाइस बहुत छोटी सी एक बेट लगाते हैं, देखते हैं इसमें करना है। ओ यार मुझे कुछ भी नहीं आता, रहने दो भाई रहने दो यार, मैं लूज भाई आखिरी भाई एक ही। अच्छा भाई एक डॉलर लगाया था, मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो यार अभी ना चलते हैं सीधा सीधा वापस यहाँ पे एंड देखते हैं यार क्या मिल रही। मतलब गाइस दिन तो यार अपना खराब है, ये बात तो मैं जानता ही हूँ यार, दिन अपना खराब है ये बात तो मैं जानता ही हूँ भाई। तो गाइस यार चलो चलते हैं वापस आराम से गाइस, चिल मार के ना अभी मैं सोने वाला हूँ। तो गाइस वेलकम बैक यार, अभी ना हो चुका है यहाँ पे अगला दिन एंड अभी ना फ्रेश मूड के साथ मैं जाने वाला हूँ कार मार्केट, क्योंकि यार अपना ना कार मार्केट खुला है आज। कार मार्केट में ना डेफिनेटली पक्का कुछ मिलेगा, एंड यहाँ पे एक टेस्ला है, इसको मैं एज अ डेली ड्राइवर यूज कर सकता हूँ भाई, वो गाड़ी इलेक्ट्रिक है, अपना कोई फ्यूल का झंझट ही रहने वाला है। एंड देखते हैं गाइस और क्या मिलता है यहाँ पे। वैसे गाइस अपनी नेबरहुड में ना हमेशा गरीबी छाई रहती है, ऐसी भयंकर गरीबी मैंने कभी देखी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है गाइस यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिलता है। तो चलो यार भाई फुल थ्रॉटल दे रखा है, पहले गियर पे गाड़ी अपनी 101 जा रही है भाई, खतरनाक भाई खतरनाक भाग रही है भाई गाड़ी। ऑल राइट पहुंच गए गाइस, पहुंच गए कार मार्केट, और अभी यहाँ पे कुछ मिल जाए यार, बस यहाँ पे कुछ मिल जाए। एक ऑडी टीटी है यार, ये ओ पोर्श मिल गई, पोर्श मिल गया, चलो कुछ तो मिला गाइस, एक गाड़ी तो ढंग की मिली है अपने को। एंड लेट्स गो गाइस, पोर्श को ना परचेज कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, देखते हैं कितने की मिलने वाली है। तो गाइस 128 की मिल रही, तो उसमें इसको मैं एक की लूंगा। तो गाइस एक का ऑफर देते हैं, देखते हैं गाइस मैडम एक में मानती है कि नहीं मानती। नहीं यार इनको आई थिंक 1-10 में मान जाएंगे, 1,10,000 इतने में मान जाओ यार प्लीज यार, बहुत होते हैं इतने। ओ भाई मान गई, चलो अभी ना यार ये वाली जो गाड़ी है ना मर्सिडीज को ही मैं ले लेता हूँ। और मैं इसमें बैठ कैसे गया? ओ ये शायद से मैंने परचेज की, मैं इसको ले जाना ही भूल गया था यार। ये क्या भाई, इतना पैसा होना चाहिए इंसान के पास कि भाई खरीदने बार भूल जाए कि मैंने खरीदी थी, तो इसका टो करा के भेजते हैं इसको। एंड इसको भी ना टो करा के मैं भेज देता हूँ वहाँ पे। एंड जो ये छोटी सी गाड़ी, इसका एक्चुअल प्राइस कितना है गाइस? ये तो बड़ी सस्ती सी लग रही मुझे। हाँ यार सस्ती सी गाड़ी है यार, इसको नहीं लेना मुझे। चलो गाइस वापस चलते हैं गाइस अपने डीलरशिप पे, और अभी अपना आज का काम यही रहेगा कि भाई अपने पास जो दो गाड़ी थी उनको हमें सीधा रिपेयर करना है, और कुछ भी नहीं करना है। पहुंच गए हैं डीलरशिप एंड सेकंड गेट डाल ही लेता हूं भाई, गाड़ी की जान निकली जा रही है। चलो यार अपनी इस मर्सिडीज को उठाते हैं, और इसको भी ना मुझे थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा। एंड इसका कलर मैं ना रखने वाला हूं सिल्वर या फिर व्हाइट। तो चलो गाइस इसको लेके चलते हैं, लेके चलते हैं। एंड ये मारा मैंने, अरे 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 रिवर्स ड्रिफ्ट मार रही है भाई गाड़ी में, जान तो है यार, गाड़ी में जान है भाई, रिवर्स में ड्रिफ्ट पहली बार आपने देखी होगी। एंड यहाँ पे यार मेरी ऑलरेडी दो गाड़ियां खड़ी हुई है, तो सबसे पहले मैं इसको इससे काम स्टार्ट करते हैं। तो ये गाड़ी पे चाहिए अपने को रिपेयर, मांगता है भाई इस गाड़ी पे। एंड इस पे क्या मांगता है, इस पे भी रिपेयर मांग रहा है यार, दोनों गाड़ियां फूटी मिल गई यार। और यार यहाँ से अपनी डीलरशिप का लुक देखो भाई, क्या मस्त हो रखी है, मतलब एकदम खतरनाक भाई। जल्दी रिपेयर करो यार, जल्दी रिपेयर करो मेरी गाड़ियां। एंड ये क्या, ओ अभी मुझे कुछ अलग सा दिखाता है यहाँ पे, मुझे लगता है एक के ऊपर एक गाड़ी है क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी इस गाड़ी से। एंड इसको मैं किस कलर का करूं, आई थिंक गाइस इस पे ना येलो कलर सबसे बेस्ट सूट करने वाला है, क्योंकि जितनी पोश मैंने अब तक करी ना उन पे सब पे ना येलो कलर ही ठीक लगा है यार। तो इसको ना मैं कर देता हूं जल्दी से येलो। एंड ये रहा अपना येलो कलर, काफी सही है। एंड बस इतना ही करेंगे इसके लिए, इसको मैं एकदम सजाने नहीं वाला हूं, क्योंकि अभी ना अपने को और भी पैसे खर्च करने बाकी गाड़ियों पे, और मैं नहीं चाहता एंड में आके भाई पैसे कम पड़ जाए अपने पास। हालांकि वो कमी नहीं पड़ेगी, मैं गाड़ी बेचने पे आ जाऊं तो अपने पास अभी भी काफी पैसा हो जाएगा। एंड लाइट्स वगैरह सब कुछ ठीक है। एंड गाइस मैं सोच रहा हूं क्यों ना यार अपनी पोर्श के साथ भी ना यार थोड़ी सी रेस की जाए यार। अपने पास नॉच टर्बो दोनों चीजें हो चुकी हैं, व्हील्स चेंज करा लेते हैं, ब्लैक वाइट लगवा लेते हैं। एंड ये वाले गाइस ये थे व्हील्स, और काफी सस्ते हैं यार ये वाली, मतलब कि ये भी अच्छे लग रहे हैं यार, और काफी सस्ते पड़े हैं यार, अब से मैं यही वाली व्हील्स लगवाऊंगा। चलो भाई अभी इसको लेके जाऊंगा मैं पहले रेस।
रेस के लिए गैस, पहले ना रेस कर लेते हैं एंड देते हैं गैस नॉस। और ये ओ जीत जाएंगे गैस, जीतने वाले हैं गैस, डेफिनेटली जीतने वाले हैं भाई। जल्दी से चलते हैं गैस रेस के लिए, देखते हैं गैस अपने को कौन सी गाड़ी अपने कॉम्पिटिटर में खड़ी होने वाली है। और यहाँ पे ना गैस एक सुपरा है एंड एक ऑडी है, एंड ये सुपरा वाला भाई का कॉम्पिटिशन काफी मतलब कॉन्फिडेंस का काफी ऊपर होगा। और 1250 रुपए की ये लगा रहा है, लेकिन चलो गैस रेस करते हैं, लेट्स सी देखते हैं गैस जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा मैं, क्या लगता है। और वो खड़ी भाई अपनी पोर्स जो कि काफी मस्त लग रही है भाई येलो कलर में, और उसकी सुपरा भी कम नहीं गया, सुपर में भी नॉस आता है नॉस। लेकिन इस बंदे को पता नहीं भाई अपनी जो गाड़ी ना कितनी ज्यादा तेज भागती है। एंड बस लगा दिए मैंने यहाँ पे, एंड 11 10 9 2 1 गो। चलो ये दिया मैंने नॉस, एंड ये गियर शिफ्ट, एंड ये गियर शिफ्ट, और भाई क्या मस्त गियर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, चल 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 चल। और भाई क्या क्लोज जीता हूँ यार, यार मस्त जीत गया भाई मैं तो। रिटर्न टू सिटी भाई, ये वाली रेस का मजा आ गया भाई, एकदम पिन टू पिन रेस थी अपनी। और अभी बारी आती है अपने इन वाले भैया की, जो कि अपनी ऑडी A4 लेके आए हैं। देखते हैं गाइस अपनी ऑडी 300 की बैटरी, चलो गाइस हरा ही देते ना गाइस, यहां तक आए तो भाई हराना तो बनता है यार। तो गाइस जा चुके हैं अपने पोर्श के साथ एक बार फिर से अपनी ऑडी A4 को हराने के लिए, एंड इंजन को कर दिया मैंने स्टार्ट एंड फुल थ्रॉटल दिया। और यहाँ पे खड़े होते हैं गाइस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंड ब्रेक, चलो और 3 2 1 गो। एंड ये दिया मैंने नॉस, और ये शिफ्ट भाई क्या मस्त शिफ्ट कर रहा हूँ, और एक और शिफ्ट भाई यार जीत गए गाइस, बहुत ही इजीली जीत गए गाइस, बहुत ही इजी जीते हैं यार। यार ये गाइस मैंने बहुत गंदी हराई है यार, मतलब कि बेचारा यार दोनों लोग आए थे, दोनों को मैंने एकदम धूल चढ़ा के भेजा है यहाँ से। गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अपनी एक कोई बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार देख के ना मैं उसको बाहर ही खड़ी कर लूँ, जिससे गाइस मैं अक्सर रोज रेसेस हराते रहूँ भाई बाकी लोगों को, एंड मजा आता रहना चाहिए। चलो यार 2-3 रेस हरा के ना मुझे काफी ज्यादा सुकून मिला है अपनी इस गाड़ी के साथ, और मैं इसको करने जा रहा हूँ खुशी खुशी वहाँ पे पार्क, क्योंकि यार अभी ये गाड़ी अपनी जाने वाली, क्योंकि बिक जाएगी एक टाइम पे आके। लेकिन कोई नई बात नहीं है, एंड इसको भी लगा ही देते हैं यार, मतलब ये वाली गाड़ी भी एकदम बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो इसको ज्यादा मॉडिफाई करके क्या फिर मिलेगा, मतलब इसको ना बेच ही देता हूँ। और लग गई अपने रैंप पे, एंड अभी ना एलिवेटर से इसको ऊपर भेजते हैं, चल भाई ऊपर, इसको भी ना मैं पार्क कर देता हूँ अभी, और बैठ गए गाड़ी के अंदर, इसको लगाते हैं पार्किंग पे। और यार पार्किंग की जगह कम पड़ती जा रही है यार, मुझे ना शुरू थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, मुझे ऐसी फील आ रही है यार, बहुत गाड़ियां खड़ी कर दी मैंने तो। चलो अभी जब मार के चलते हैं वापस से नीचे, एंड अपनी पोर्श को भी अंदर करते हैं, या पोर्श को थोड़ा सा संभाल के अंदर घुसाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये गाड़ी देख रहे भाई इसके टायर से बाहर को निकले हुए, और मुझे डर है कि भाई ये लड़ सकती है साइड में। ओ काफी इजीली निकल गई है, तो काफी इजीली निकल गई, मतलब मुझे लगा था थोड़ा सा लड़ेगी लेकिन इजीली निकल गई। अरे यार मैं तो भूल ही जाता हूँ कि एलिवेटर नीचे भी करनी होती है। आजा भाई तू भी नीचे आजा, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में, इसको करते हैं रिवर्स और आगे रैंप पे, एंड इसको करते हैं अब। चलो भाई भाई गाड़ी थोड़ा ज्यादा कोने में रह गई, लेकिन कोई नहीं गिरेगी नहीं। और अभी ना मुझे इसको ही पार्क करना, और अपनी ना जगह एकदम खत्म हो गई है गाइस, अब ना जगह बची नहीं है, अब एक गाड़ी की जगह नहीं है यार यहाँ पे, बस यहाँ पे थोड़ी जगह है, यहाँ पे शायद से एक बाइक ही आ सकती है, लेकिन बाइक तो है ही नहीं इस गेम में। तो मैं सोच रहा हूँ दो गाड़ी एक लाके मैं सीधा घुसा दूंगा, एक गाड़ी इधर हो जाएगी और एक गाड़ी इधर हो जाएगी, तो दो इधर आ जाएंगी और एक उधर आ सकती है, तीन गाड़ी की कैपेसिटी अपनी बस बची हुई है। और वो जो तीन गाड़ियां ना वो अपने पास ऑलरेडी है गाइस, दो गाड़ी तो देखो अपने पास साफ साफ यहाँ पे खड़ी हुई है सामने मेरे, तो ना मैं इस गाड़ी को सीधा भेजता हूँ रिपेयर के लिए, एंड देखते हैं गाइस इसमें डैमेज है कुछ की नहीं है। अरे यार टो पे क्यों भेज दिया मुझे, मैं बटन ही गलत दबा देता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना एकदम सही बटन दबाया और ये गाड़ी अपनी आ चुकी है यहाँ पे रिपेयर पे, एंड देखते हैं इसका कुछ रिपेयर का कॉस्ट है। अरे एकदम बढ़िया गाड़ी है, एंड ये वाली रिपेयर हो चुकी, तो पहले इसको इससे स्टार्ट करते हैं, एंड इसको मैं करूंगा व्हाइट कलर, क्योंकि भाई अपनी इस मर्सिडीज पे व्हाइट कलर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लगने वाला है। ओके हो गया भाई व्हाइट कलर, और ये गाड़ी थोड़ी सी गंदी है ना, इस वजह से व्हाइट अभी सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको ऊपर खड़ा करूंगा भाई, वो भाई अपना पहुंचेगा ना एकदम गाड़ी चमक जाएगी। एंड व्हील्स की बात की जाए तो व्हील्स यार व्हील्स नहीं अच्छे हैं यार, व्हील्स पे ना मुझे काम करना पड़ेगा। चलिए भाई साहब इसके ना व्हील्स चेंज कर दो, एकदम बढ़िया वाले व्हील्स लगाएंगे, एंड प्लेट में व्हील्स कहाँ गए, व्हील्स अरे व्हील्स कहाँ गए, कहाँ होते थे भाई व्हील्स, अच्छा ये रहा व्हील भाई, अंधा होता जा रहा हूँ मैं धीमे धीमे। एंड ये व्हील्स है जो कि काफ़ी सस्ते और काफ़ी डिसेंट और अच्छे लगते थे भाई, मतलब इस व्हील का ना लुक सबसे सही है, मतलब कम रेट में अगर व्हील देखे जाए ना तो इससे अच्छे व्हील तो मेरे हिसाब से है ही नहीं। हाँ ये बात कहते तो थोड़े से स्किट कर रहे हैं जैसे कि अभी किए थे, और ये देखो वो थोड़ा फिजल तो ज़्यादा रही है भाई, ये बात तो है, लेकिन कोई नहीं, ये तो वो देखेगा ना जिसको गाड़ी लेके जानी है, अपने को तो गाड़ी बेचनी है खाली। एंड हमेशा की तरह फिर से भूल गया हूँ एलिगेटर को ऊपर ही छोड़ के, एंड गमले मैंने इतने रख दिया ना यहाँ पे। तो गाइस अपना जो शुरू में ना भाई ये काफ़ी बड़ा हो सकता था, क्योंकि हमने नीचे यहाँ पे स्पोर्ट्स कार खड़ी करेंगे ना, यहाँ पे जो गोले लगाए ना इसकी वजह से काफी जगह अपनी ऑक्यूपाइड हो गई है, एंड मुझे सारी गाड़ी ना ऊपर पहुंचानी पड़ रही है उसकी वजह से। चलो कोई नहीं यार अभी ना मैं इसको पीछे करता हूँ, और ये हो गया गाइस अपनी गाड़ी पार्क, और अभी ना ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं गाइस इसको कहाँ पार्क करूंगा मैं सोचूंगा इसको सीधा सीधा। ओए 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 ये ओ भाई बच गई गाड़ी मेरी, अभी ऐसी की तैसी हो जाती गाड़ी की मेरे।
एंड हो गई भाई पार्क। चलो यार ये गाड़ी यहाँ पे ठीक है। एंड अभी मैं दिखाता हूँ ये गाड़ी गंदी कितनी ना, मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को। और देखो साफ होने पाता है, ये गाड़ी ऐसी दिखेगी एकदम चमचमाती ब्रांड न्यू, लेकिन अभी गंदी है तो इस वजह से ऐसी दिख रही है। और सारी गाड़ी ने एकदम बढ़िया साफ हो रखी है भाई। भाई साहब एकदम चमका के रखते हैं यार, ये जो भाई है ना भाई पूरा गाड़ी अपनी चमका के रखता है। और अभी अपनी एक गाड़ी वो लास्ट बची हुई है। एंड मैं सोच रहा था एक गाड़ी मुझे और चाहिए, वो गाड़ी मुझे कहाँ मिलेगी यार, मैं तो यही सोच रहा हूँ अभी। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं इसका भी कलर सेम रखने वाला हूँ, इस गाड़ी को एज इट इज में ऊपर पहुंचा दूंगा, क्योंकि भाई ये गाड़ी रिपेयर एंड व्हील्स वगैरह सब ठीक ही है भाई, मतलब थोड़े से मॉडिफाइड व्हील्स हैं। ठीक है यार। ये क्या किया मैंने, ले यार वाह क्या काम किया मैंने, क्या काम किया, मतलब गाड़ी निकालते ही ठोक दी, ऐसा लगा कि मैंने गाड़ी निकाली ठोकने के लिए थी। लेकिन कोई बात नहीं यार, थोड़ी बहुत ठोकी ठोकी गाड़ी बेच देंगे, क्या जा रहा है किसको क्या पता ठोकी हुई है। वैसे मेरे शोरूम में जगह बची नहीं है कि मैं मतलब कोई घूम घूम के देख पाई गाड़ी कितनी डैमेज है कितनी ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही पैक करके लगा देता हूँ। एंड ये हो गई पार। चलो ऊपर ऊपर चलो बेटा देखते हैं। ऑल राइट, ये अपनी जगह यहाँ पे इस गाड़ी की एकदम फिक्स है। और ये गाड़ी एक अपनी और आ चुकी है यहाँ पे। और भाई ना अभी मुझे इसके ऊपर एक फ्लोर और बनाना पड़ेगा गाइस, क्या बोलते हो गाइस, कमेंट कर बताओ क्या मुझे एक फ्लोर और ऊपर बनाना चाहिए या फिर नहीं बना। वैसे मुझे लग रहा है जगह की बहुत कमी हो गई है, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई गाड़ी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है यार, मतलब गाड़ी की नहीं सॉरी जगह की कमी हो चुकी है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद भाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, मिलते हैं बाय टेक केयर।